हेलो, ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ जेई एडवांस 2024 पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 9 रोटेशनल मैकेनिक्स से। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज़ फ्री टू रोटेट। यहाँ पे हमने डिस्क को मार्क किया है बी। डिस्क बी इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस फ्रीली, ठीक है। एंड देन देर इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर विच इज़ फिक्स टू द डिस्क एट इट्स सर्कमफ्रेंस। तो जो यहाँ पे कहीं बैटरी ऑपरेटेड मोटर है इस पॉइंट पे, एंड दैट इज फिक्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क बी। इसके अलावा यहाँ पे जो मोटर से कनेक्टेड है या मोटर की शाफ्ट से कनेक्टेड है वो आर बाई टू रेडियस और सेम मास की डिस्क है जिसको मार्क किया हमने ए। इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। चेंज क्या आ रहा है कि मोटर को स्विच ऑन किया सच दैट की डिस्क ए रोटेट करने लग जा रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ऐसे में वट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ लार्जर डिस्क, यानी कि बी डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक कहाँ है या फिर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स कहाँ हो रही है इज अबाउट मोटर जो है फिक्स्ड है और जो ओमेगा गिवन है वो स्पीड मोटर के रेस्पेक्ट में है। मोटर के रेस्पेक्ट में डिस्क ए ओमेगा स्पीड से घूम रही है और मोटर जो है डिस्क बी पे फिक्स है। इसका मतलब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क बी है और हम यहां बात कर रहे हैं एक ऐसी फ्रेम जो रोटेट कर रही है बी के साथ, यानी कि ओमेगा प्राइम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है हमारी फ्रेम। डिस्क बी के रेस्पेक्ट में ओमेगा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है ये हमें ढूंढना पड़ेगा अभी, राइट। इस बात को अपन विजुअलाइजेशन से भी समझ सकते हैं। लेट अस से डिस्क बी अपनी जगह स्टेशनरी, हम ऐसी फ्रेम में देख रहे हैं डिस्क बी रोटेट नहीं कर रही है और सिर्फ डिस्क ए रोटेट कर रही है। एंड लेट अस से कि डिस्क ए रोटेट करके कुछ एंगल ट्रेवल कर ले रही है आफ्टर टाइम टी, एंड दैट इज ओमेगा टी। ये डिस्क बी के फ्रेम में देखा है, बट एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा होगा, डिस्क बी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क बी भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि ये टी टाइम के अंदर ओमेगा प्राइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, राइट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमें पता है, ये हो चुका है हमारा ओमेगा टी जो कि डिस्क ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी है। और मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है कि ग्रीन लाइन का एंगल चेंज कितना हुआ है। तो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर लें कि एंगल कितना होना चाहिए था इसका चेंज। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी ओमेगा प्राइम टी ही हो जाएगा। तो यू कैन सी जो एंगल चेंज हुआ है वो ये एंगल है, जो ग्रीन लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है वो ये एंगल है। दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू, और आई वुड रेदर राइट डायरेक्टली ओमेगा टी माइनस ओमेगा प्राइम टी। अब टी टाइम में अगर एंगल चेंज इतना हुआ है डिस्क ए का, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नाउ आई कैन सिंपली से डिस्क ए की एंगुलर वेलोसिटी वुड बी ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो गिवन ओमेगा है वो मोटर के रेस्पेक्ट में, मोटर बी पे फिक्स्ड है तो वो बी के साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो बी के रेस्पेक्ट में देखने से हमें लग रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो थोड़ा कम होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बी भी रोटेट कर रहा है यहां पे। अब जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट डिस्क बी रोटेट कर रही है, इसके अबाउट सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट उससे पहले लिखते हैं हम एक एक डिस्क का एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू आवर वर्टिकल एक्सिस। तो ए का एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा दैट इज हाफ एम आर बाई टू स्क्वायर उसकी एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम। डायरेक्शन जो होगी ये इसकी ध्यान से देखो, इनटू द बोर्ड जा रही है राइट हैंड थंब रूल से, तो इसलिए मैंने इनटू द बोर्ड लगा दिया साइन इस पे। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम इसके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन मोशन की वजह से भी होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है इसका इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो दैट गिव्स यू रियली सॉरी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन इस डायरेक्शन में है विद एंगुलर वेलोसिटी विद वेलोसिटी ओमेगा प्राइम टी। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम से। तो R हमारे पास ये है, M है ही हमारे पास, और VCM जो है दैट इज ओमेगा प्राइम R। इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, तो इसके लिए आउट ऑफ द बोर्ड लगा दिया हमने। सिमिलरली B का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर और इसकी एंगुलर ओमेगा प्राइम, और ये जो है आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है।
इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्वड है, और पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। अब हम इनटू द बोर्ड के लिए नेगेटिव ले लेते हैं, आउट ऑफ द बोर्ड के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हाफ एम आर स्क्वायर बाय फोर ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम माइनस प्लस एम ओमेगा प्राइम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू जीरो। पूरी क्वेश्चन में एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है एंड वी आर गेटिंग ओमेगा बाय 8 इज इक्वल टू 13 ओमेगा प्राइम डिवाइड बाय 8। इसका मतलब हो गया ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा बाय 13, तो 13 शुड बी द फाइनल आंसर।